दोस्तों, यदि आप एक स्कूल में जॉब करते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट है कि स्कूल की एक डाटा शीट तैयार करनी है जिसमें पर्टिकुलर हर स्टूडेंट की एक इन्फॉर्मेशन हो, जैसे कि आप स्कूल के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब पर काम कर रहे हैं और आपके प्रिंसिपल या अदर टीचर ने आपसे बोला है कि आप एक ऐसी शीट बनाइए जिसमें हर पर्टिकुलर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन हो, जैसे कि उसका नेम, सिटी, एक्स वाई जेड, जो भी डिटेल है वो पूरी यहाँ पर मेंशन हो। उस शीट के द्वारा ही ज़रूरत पड़ने पर पर्टिकुलर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन निकाली जा सके। तो आप कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि आप तो स्कूल में जॉब कर रहे हैं न्यू है और आपको बोला गया है ना। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपको एक्सेल शीट के अंदर स्कूल से रिलेटेड एक डाटा शीट तैयार करना बताएंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीसी कंप्यूटर हिंदी। सबसे पहले हम एक्सेल शीट को ओपन करते हैं एक न्यू, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप को देखना है, हम शीट तैयार करेंगे, उसमें फॉर्मेटिंग करेंगे, कंडीशन लगाएंगे और सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सेल शीट ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं यहाँ पर एक्सेल, यहाँ से आपको शीट ओपन कर लेना। अगर डेस्कटॉप पे है तो डेस्कटॉप पे आपको ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पर हम ब्लैंक वर्कबुक ओपन करते हैं एंड इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक्सेल शीट ओपन हो चुकी है ब्लैंक बिल्कुल ही, है ना। तो दोस्तों, जब भी आप एक्सेल पर काम करें उससे पहले आपको फाइल लोकेशन देकर सेव कर लेना है, है ना। तो सिंपल सा, उससे पहले आपको किसी भी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना लेना है। मैं बी ड्राइव में बना लेता हूँ एंड यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ। आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपने नेम से एक फोल्डर बनाइए, जैसे मेरा नाम है प्रमोद। एंटर कीजिए। यहाँ पर पहले से मैंने बनाया था फोल्डर, तो ये है। इसमें हम सीट का नेम रखेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट डाटा, ओके। एंड यहाँ पर इस फोल्डर को क्रिएट कर लेंगे, बाहर क्लिक करेंगे, फिर से सीट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर फाइल में जाएंगे और यहाँ पर है सेव एज, इस पर क्लिक करेंगे और ब्राउज़र में जाएंगे। यहाँ पर आपको फाइल को सेव कर लेना है, जैसे बी ड्राइव के अंदर फोल्डर बनाया था हमने प्रमोद के नाम से और स्टूडेंट डाटा, सीट का नेम हुआ स्टूडेंट डाटा, क्योंकि जब भी हम सर्च करेंगे आसानी से मिल जाएगा स्टूडेंट डाटा, एंड सेव करेंगे, ठीक है। तो आपको ये स्टेप को पहले करना है, है ना। तो दोस्तों, अब हम काम करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने पहले से सेव कर ली फाइल को और आपको हर 2 या 3 मिनट में फाइल को सेव करते रहना है। तो सबसे पहले आपको कैटेगरी लिखना है। तो कैटेगरी कौन कौन सी होगी, तो उसके लिए दोस्तों मैं जल्दी लिख देता हूँ, इससे आपका टाइम भी ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, है ना। तो मैं कैटेगरी लिखता हूँ, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने केवल टाइप किया है, कोई फॉर्मेटिंग नहीं की। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कैटेगरी रख लेना। देखना, हमने सीरियल नंबर डाला है हमने, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, आधार नंबर, अगर आधार रखना है तो आप रख लीजिए, ठीक है। मैंने एग्जांपल में ले लिया है, एडमिशन डेट एंड क्लास, मीडियम, सेक्शन, ब्लड ग्रुप एंड यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, लिविंग डेट, ठीक है। तो और कैटेगरी आपको रखनी है तो आप रख लीजिए, ठीक है। बस आपको टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद अब हम इसकी सेटिंग करेंगे। तो सेटिंग के लिए दोस्तों आपको ये ड्रैग कर लेना है, यहाँ से इस पर डबल क्लिक करना है आपको, एक साथ इस पर भी आपको डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये सब ठीक होते जाएंगे। एंड दोस्तों, यहाँ पर सभी को कर लो एक साथ, ठीक है। इस पर भी डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस पर भी डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस पर भी। अब दोस्तों, ये एक्स्ट्रा बन गया है, तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे आप और यहाँ पर है डिलीट, डिलीट पर क्लिक करेंगे, यहाँ है डिलीट सीट कॉलम, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा, ठीक। इतना करने के बाद दोस्तों, अब आपको करना क्या है, यहाँ से पूरे सीट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पर फॉन्ट रख लेना है आपको, जो भी रखना है। मैं रख लेता हूँ यहाँ पर
तो यहाँ पर हम 16 रख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो फॉन्ट आपको 16 रखने के बाद सिंपल से सभी को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर रैपटेक्स इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये रैपटेक्स हो जाएगा और रैपटेक्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबको सेंटर कर लेना है, ओके। एंड इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, थोड़ा इसको और ड्रैग कर दीजिए, है ना। चलिए इसको भी कर दीजिए एंड इसको भी कर दीजिए, इसमें हम पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। एंड इसको भी कर देते सही, एंड इसको भी कर देते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से सभी को फिर से सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको मिडिल कर देना है, ठीक है। एंड इसको हम सही कर देते थोड़ा, है ना। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर हम एक चीज़ और डालेंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम एक सेल को इंसर्ट कराएंगे, तो आपसे ये गलती हो जाती है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, वो गलती है इन्फॉर्मेशन ऑफ स्कूल, है ना। तो स्कूल की जो भी जानकारी, स्कूल नेम वगैरह वो हम डालेंगे, तो सिंपल से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर है इंसर्ट रो, और रो को इंसर्ट करा लेंगे। तो इंसर्ट रो हो चुकी है हमारी, यहाँ पर स्कूल नेम डालेंगे हम ABC स्कूल और इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर मर्ज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से फॉन्ट उसका बड़ा कर देंगे, ठीक है, ABC स्कूल। अब दोस्तों आपको यहाँ पर लोगो लगाना है तो वो आप लगाएंगे, ठीक है। तो इंसर्ट में जाते हैं हम, यहाँ पर पिक्चर्स, इस पर क्लिक करते हैं तो स्कूल का आप लोगो लगा दीजिए, चलिए लोगो देखता हूँ मैं, चलिए मैं अपना यही लगा देता हूँ, BC कंप्यूटर का, ठीक है। इसको आप यहाँ सेट कर दीजिए, छोटा करना है तो आप छोटा कर सकते हैं, ओके। एंड ये आपको फिर से सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इंसर्ट, और यहाँ पर इंसर्ट सीट टॉप पर फिर से क्लिक कर देना है, एक और आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप एड्रेस डालेंगे, ठीक है। एंड दोस्तों इस तरह की कंडीशन आ रही है तो आपको फॉन्ट को छोटा कर लेना है, क्योंकि हमने यहाँ से इंसर्ट किया है ना, तो इसका 48 आ रहा है, यहाँ पर हम 16 कर देते हैं, ओके। एड्रेस लिखते हैं हम, एंड इस तरह से लिखा है आपने, तो आपको यहाँ पर इसको कर देना है यहाँ पर मर्ज, ठीक है। मर्ज करने के बाद आप कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं। फिर से हम एक यहाँ पर सेल को इंसर्ट कराते हैं, तो यहाँ पर है इंसर्ट रो, और यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं, टेलीफोन भी डाल सकते हैं, है ना, या मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना है, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको भी हम यहाँ तक मर्ज कर देते हैं, ओके। एंड आप इसको थोड़ा छोटा करेंगे मोबाइल को, और यहाँ पर कॉमा देंगे एंड फोन लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर दोनों डाल दिए, ठीक। तो ये सारी हो गई, अब हम इसमें थोड़ा डेकोरेशन करेंगे, तो डेकोरेशन में इसमें डाल देते हैं येलो, एंड यहाँ पर इसको हम बोल्ड कर देते हैं। फॉन्ट आपको चेंज करना है तो कर लीजिए, ठीक है, मैं डिफॉल्ट रहने देता हूँ। एंड यहाँ पर इसका फॉन्ट ये ही रहेगा, यहाँ पर हम ने स्पेलिंग कुछ गड़बड़ की है शायद, इसको कर देते हैं, ठीक। एंड यहाँ पर पेन डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्कूल का एड्रेस डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, ये डाल दिया, ठीक। एंड इसको भी हम सही कर लेते हैं, इसमें डाल देते हैं हम ये कलर डाल देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आपको टेक्स्ट को वाइट करना है या कुछ करना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर है टेक्स्ट कलर, और यहाँ से ये डाल देंगे, ठीक। एंड इसको यहाँ पर कुछ अच्छा ले लेते हैं हम ले लेते हैं यहाँ पर ब्लैक, और टेक्स्ट को ले लेते वाइट, ओके। अब ठीक लग रहा है,
तो ये हमारा, और आपको सेव करते चलना है। अगर आप पीसी यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें सेव करने के लिए हमें टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली। अब हम टाइप करते हैं एक एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री लिखते हैं, तो आप देखते चलिए, मैं जल्दी जल्दी टाइप कर देता हूँ एक एंट्री। तो यहाँ पर देखिए हमने टाइप कर दिया है। अब इनको आपको सेट कर लेना है, यहाँ से आपको ड्रैग कर देना है थोड़ा, है ना ये। ठीक है, आप चाहें तो छोटा कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर है रैप टेक्स, आप रैप टेक्स कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप चाहें तो रैप टेक्स कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का नेम चाहिए। ठीक, एंड यहाँ पर आपको यहाँ पर सबको मिडिल कर देना है सेंटर में लेके। तो यहाँ पर है सेंटर एंड मिडिल। ओके, तो ये हो गई मेरी फर्स्ट एंट्री। ठीक है, यहाँ पर लिविंग ग्रिड देंगे, तो आप यहाँ पर डैश कर दीजिए इस तरह से, है ना। सॉरी, एंड यहाँ पर ही कर देता हूँ। ठीक, तो देखिए सीरियल नंबर हम डाल दिए, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, आधार नंबर, एडमिशन डेट, क्लास, मीडियम, सेक्शन, ब्लड ग्रुप, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, सिटी, सॉरी सिटी मैंने सिटी डाल दिया, मैं यहाँ पर ग्वालियर कर देता हूँ, गलती हुई मुझसे। यहाँ पर ग्वालियर, इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक एंट्री कर ली। एक एंट्री करने के बाद जब हम इसे स्क्रॉल करेंगे तो ये हाइड होगी एंट्री। ठीक है, तो ये एक स्मार्ट वर्क नहीं है। यहाँ पर स्मार्ट वर्क करने के लिए हमें यहाँ पर जी कैटेगरी को हाइड नहीं होने देना है। जैसे हम एंट्री करते जाएँ, काफ़ी एंट्री हो जाएंगी, जैसे समझो 100 एंट्री हो गई, तो ये हाइड होती जाएंगी, 100 के बाद हम टाइप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक फंक्शन यूज करेंगे, वो है फ्रीज। तो यहाँ पर फ्रीज करने के लिए इस वाली रो को सिलेक्ट करेंगे, नंबर वन सीरियल नंबर डला ये वाली। ठीक है, और यहाँ पर व्यू में जाएंगे, यहाँ पर है फ्रीज, फ्रीज कर देंगे। अब हम यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं तो देखिए ये एंट्री हाइड नहीं हो रही, देखिए, है ना। तो हम काम करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो यहाँ पर हमने ये कर दिया है। दूसरी बात दोस्तों, ये ग्वाली थोड़ा हाइड हो रहा है, इसको सही कर दें। दूसरी बात दोस्तों, आप जैसे ही इसमें सीरियल नंबर डालेंगे तो आपको करना नहीं है, आपको दो टाइप कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर इसको थोड़ा सेंटर कर लेते हैं, और आपको ड्रैग कर देना है। ठीक है, जितना आपको रखना है, मैं 100 तक रख लेता हूँ, चलिए इतने तक। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, सीरियल नंबर। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल हाइड करने की प्रॉब्लम नहीं आ रही, है ना। अब आपको सारी एंट्रियाँ कर लेना है जो जो आपको करनी है, और दूसरी बात आपको क्या क्या कैटेगरी रखना है वो आप रख लीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कॉलम डालना। तो सिंपल सा आपको करना क्या है, इतने एरिए को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जहाँ तक एंट्रियाँ हैं। ओके, एंड ऊपर जाएंगे, एंड यहाँ पर आपको मिलेगा ऑल बॉर्डर, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे करेंगे तो यहाँ पर देखिए कॉलम डल चुके। ओके, ठीक। अब दोस्तों आपको लग रहा है कि मुझे इसका प्रिंट आउट चाहिए सैम्पल दिखने के लिए, दिखाने के लिए, जो भी है आप दिखाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर पेज एरिया सिलेक्ट कर लेना है, पूरे का कर लेना है यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पर आपको पेज लेआउट में जाना है, और सबसे पहले आपको ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप कर देना है। उसके बाद आपको जाना है व्यू में, और यहाँ पर पेज ब्रेक प्रीव फंक्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ग्रिड लाइन बन जाएंगी। अब आपको करना क्या है, इस लाइन को ड्रैग कर देना है यहाँ तक। ठीक है, तो ये एक में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको प्रीव्यू देखना है। प्रीव्यू देखने के लिए आपको जाना है फाइल में, और आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो सीट आपकी इस तरह दिखेगी। ओके, आपको मार्जिन सेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर है कस्टम मार्जिन, ठीक है, तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो आपको कितना रखना है ना। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर इस सीट को तैयार कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, आराम से निकलेगा। देखिए हमने यहाँ पर प्रिंट एरिया सेट किया, तो एक भी यहाँ पर कॉलम बिल्कुल कट नहीं रहा, हाँ, आराम से प्रिंट सभी कैटेगरी का आ जाएगा, ये दिखाने के लिए, अगर आपको प्रिंट आउट चाहिए। अब सिंपल सा आप एंट्री करते चलिए। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ग्वालियर है, तो हमें केवल ग्वालियर सिलेक्ट
लिस्ट बन जाए तो केवल हमें सिलेक्ट करना है, टाइप नहीं करना पड़े। जैसे हम इसमें पर्टिकुलर 5 सिटी डाल दें, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, इस तरह का, ठीक है। और उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे तो पर्टिकुलर इंदौर आ जाए, हमें टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो वो नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताएंगे, ठीक है। आगे की स्टेप हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आप अपनी सीट के अंदर अभी इतना डाटा पुट कर लीजिए और इतनी सेटिंग कर लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो हमारे चैनल पर बने रहिए। फ्रेंड थैंक्स एंड बाय बाय।